तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु नायस। बच्चों कैसे चल रहा है आपकी तैयारी? होपफुली अच्छी चल रही होगी, और जिन बच्चों ने अभी तैयारी नहीं शुरू की उन्होंने भी तैयारी का मोड थोड़ा सा ऑन किया होगा, तो थोड़ा सा जो ट्यूबलाइट थोड़ी चस्बूस चस्बूस करने लगी होगी, मतलब थोड़ा सा तैयारी शुरू करने की अब अंदर से आ रही होगी कि हाँ भैया सी सेट की तैयारी शुरू कर लें। बट आप लोगों को अभी मैं एक बात बता दूं, अभी सही टाइम है अगर आप लोग सही टाइम पे सही जगह से तैयारी शुरू करो। बिकॉज देखो एक टाइम ऐसा आएगा ना जिस टाइम जीएस का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि देखो जीएस आपका भंडार, वो ऐसी चीज है जो कभी भी आप पूरी तरीके से 100% नहीं तैयार कर सकते, आपको भी बात पता है। ऐसा ही सी सेट का भी है, बट सी सेट के लिमिटेड से टॉपिक्स हैं, इसके ज्यादा सब टॉपिक्स नहीं है इसे जीएस की तरह। तो अगर आप अच्छे तरीके से सी सेट की तैयारी शुरू करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 4-5-6 महीने लगाने पड़ेंगे जो अभी शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मई में तो जाके अपना एग्जाम ही है। ठीक है, तो बेशक मई के थोड़ा मीडिया एंड में जाके एग्जाम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी शुरू करने के लिए मार्च अप्रैल चुनो, कुछ नहीं होगा लास्ट के 2-3 महीनों में, अभी बता रहा हूँ। उस टाइम किसका टाइम होगा? आपके टेस्ट सीरीज का, क्रैश कोर्स का, ठीक है, ये सारे, मतलब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भैया उसका फायदा उसको होगा जो बच्चा अच्छे से तैयारी एक बार कर चुका है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा लेट हो गए, मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा जल्दी है, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। क्लियर? क्योंकि ऐसा ना हो कि एक बच्चा जो अभी से तैयारी शुरू कर चुका है या कर चुकी है वो आपकी सीट पे आके बैठ जाए सिर्फ कुछ एक नंबरों के कारण, क्योंकि आपकी एक साल, ये सी सेट नहीं है खाली, सी सेट को आसान हुआ समझो, ये आपके पूरा एक साल है। ठीक है, तो आपके साथ का जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है, जो आपके साथ बैठा है वो लेक्चर हॉल में, कल को वो बच्चा एक अधिकारी, एक ऑफिसर बन के बैठा हो और आप वहीं के वहीं है, सोच के देखिए कितना बुरा लगेगा। हमें बुरा लगता है जब बच्चा 1 या 2 या 5 नंबर से रह जाता है और सिर्फ इतना सा मार्जिन बचता है कि बेशक उसके जीएस में थोड़े नंबर कम है बट वो सी सेट क्वालिफाई है, आपके सी सेट 20 नंबर ज्यादा है बट सी सेट क्वालिफाई नहीं है, तो फिर एक साल गया आपका। क्लियर? तो अब एग्जामिनर आपसे वो नहीं मांग रहा 2+2 4 बताओ, वो कह रहा है भैया और कुछ बताओ, एपीजीपी वाले क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे। तो सी सेट 2023 ने हमें दिखा तो दिया कि भैया क्या लेवल होना चाहिए, बट हमें अब एग्जामिनर से 2 कदम आगे चलना है। तो 2 कदम आगे चलना है तो तैयारी भी थोड़ी पहले ही शुरू करनी पड़ेगी। तो कहाँ से तैयारी शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, इन सब क्वेश्चंस का एक ही जवाब है मेरे पास, वही वो है मेरे पास, ये सी सेट न्यू बैच कोर्स डिटेल। मैं डिटेल से बताऊंगा आपको इस बैच में इतना कुछ है कि आप कहोगे सर इतना कुछ करने के बाद क्या करने की जरूरत है, फिर मैं कहूंगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास ये 4 डेज अ वीक बैच रहने वाला है। क्लियर? उसके बाद मेरे पास टोटल लेक्चर कितने हैं इसमें, 180+, 180+ मिनिमम लेक्चर आपका 1.5 घंटे का है, मिनिमम 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है। एक्चुअली इसमें है क्या, देखो 180 को ना 2 पार्ट में बांटा गया, 90 लेक्चर्स और 90+, मतलब ये आपका पार्ट ए है, ये आपका पार्ट बी है। अब पार्ट ए पार्ट बी क्यों? क्योंकि पार्ट ए है जो आपका, ये एक्चुअली बैच आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच आपका। तो आप अगर आप हमारे एकेडमी के फेस 8 मोहाली के आसपास है या आप विजिट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं डेली क्लास लगाने, तो आ जाइए, अदरवाइज आप इसको ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइमिंग क्या बताई मैंने इसकी, टाइमिंग मैंने बताई है 3 से 4:30 जो भी बता रहा हूँ, बट एक्चुअली ये 5 बजे तक होता है। आप कहोगे सर लिखा तो 4:30 है, 5 बजे तक क्यों? इसका जवाब चंद क्षणों में, कुछ मिनटों में मैं आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये मैंने जो बताया ये 90 लेक्चर टोटल लेक्चर 180+, ये जो 90 लेक्चर है ये आपको कैसे मिल रहा है, ये आपको लाइव मिल रहा है, लाइव बैच में मिल रहा है जिसमें 50 एप्टीट्यूड। क्यों क्वांट के इतने ज्यादा लेक्चर्स क्यों? तो बच्चे ने पूछा सर क्वांट तो इतना ज्यादा क्या नहीं आ रहा, बेटा ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा आ रहा है, 35 से 38-40 क्वेश्चन आ रहे हैं एससी में से आपके, तो देखिए क्वांट का कितना बड़ा महत्व है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या मेरे पास, 25 आपके पास लॉजिकल के हैं और फिर आपके पास 15 डेडिकेटेड जो बिल्कुल ऑन द ट्रैक लेक्चर्स हैं, वो है 15 आपके लिए किसके, इंग्लिश के। डन, नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर लेक्चर्स, वो कितने आपके पास, 15, 15 मेरे पास प्रीवियस ईयर लेक्चर्स इसमें प्री अपलोडेड है। नेक्स्ट है मेरे पास एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, 50+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी अपलोडेड है पोर्टल पे, जब आप आएंगे एडमिशन लेंगे तो आपको वहां पे ऑलरेडी दिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, लाइव मेंटरशिप सेशन, जो कितने मेरे पास 30+ मेरे पास लाइव मेंटरशिप सेशन रहने वाले, जो बहुत काम आएंगे आपके ड्यूरिंग एग्जाम की, कैसे एग्जाम को हैंडल करना है, कैसे देना है एग्जाम, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है खासकर, कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना है जब एग्जामिनेशन हॉल में आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्योंकि 2023 के एग्जाम में भी ऐसा ही था, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक थे, फिर 6वां 7वां क्वेश्चन जाके 5वां 6वां क्वेश्चन जाके पूरा था, बट जब 4 क्वेश्चन नहीं होते तो बच्चा 5वां 6वां छेड़ने की हिम्मत नहीं था, वहीं पर सारा हौसला टूट जाता। उस सिचुएशन में कैसे अपने माइंड को आपने स्टेबल रखना है,
ये सारी चीजें आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, क्लियर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि उनको स्किप करने की आदत नहीं होती। एग्जाम में हमें क्या होता है, खासकर ये आदत कब नहीं होती, जब आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, वो भी आपको साथ में मिलेगी, टेंशन ना लो उसका, क्लियर। अब इसके बाद आप कहोगे सर इसके बाद बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले इस बैच में होता क्या, आपको वीकली शेड्यूल मिलता है, ठीक है। अब वीकली शेड्यूल तो मिल गया, इस वीकली शेड्यूल का फायदा कि आपके आने वाले लेक्चर कौन कौन से सारा इसमें बताया जाता है, क्लियर। उसके बाद आपको वीकली शेड्यूल मिल गया, उसके बाद जो आपका लेक्चर है ना, लेक्चर में क्या है, लेक्चर में आपके पास तीन चीजें मिलने वाली है जो आपको लेक्चर मिलेगा। नंबर वन लेक्चर की पीडीएफ, नंबर दो रिसोर्सेस, नंबर तीन प्रैक्टिस शीट। अब ध्यान से सुनिए तीनों चीजें क्या है। सबसे पहले क्या, लेक्चर पीडीएफ। ये लेक्चर पीडीएफ क्या है, लेक्चर पीडीएफ में क्या मिलेगा आपको कि आपको वो डेटा जो क्लास में मैंने करवाना है वो पीडीएफ के तौर पर पहले अपलोडेड होगा, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको पता चले कि क्वेश्चन आज हमने किस लेवल के करने। नंबर दो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है, चैप्टर का कोई थ्योरी पार्ट हो सकता है, चैप्टर का कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो आपको रिसोर्स में मिलता है। नंबर तीन प्रैक्टिस शीट, व्हाट अबाउट दिस प्रैक्टिस शीट, कैसी मिलेगी प्रैक्टिस शीट। जैसे ही मैंने हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट मिलनी आपको कंफर्म, यानी जैसे मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन की उसी लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे, और वो हम डिस्कस कहां पे करेंगे, वो यहां पे। ये जो 30 मिनट का सेशन है हर चैप्टर लेक्चर के साथ, यहां पे हम अच्छे से उस प्रैक्टिस शीट को डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्या मेरे पास, इसके बाद क्या होता है, मैंने उसके बाद होता है वीकली टेस्ट। हर संडे को 1 बजे आपका बेटा वीकली टेस्ट शेड्यूल होता है, हर संडे को, जो मैंने पूरे वीक में किया, पूरे हफ्ते का लेक्चर का मेरे पास जो बना डाटा, उसमें से मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा टेस्ट के तौर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो आपको, तो 9517771651 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर द बैच। इस बैच की डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इस बैच का लिंक, परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। अगला जो लिंक है वो मिलेगा बेटा आपको किसका, अगला मिलने वाला है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज उसे भी आप ज्वाइन कीजिए, क्लियर। चलिए बेटा चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि कौन सा है मेरा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज उसे भी आप अवेल कीजिए। चलिए अब हम करते हैं, देखो आज हमें क्या डिस्कस करना है, बेसिकली हमें डिस्कस करना है सीसेट 2021 और हमारा पार्ट 6, मतलब 2021 में इतने सारे क्वेश्चन थे, देखो 6वें 7वें पार्ट तक चला गया, 4 से 5 क्वेश्चन पर लेक्चर में डिस्कस करता हूँ ताकि ज्यादा। देखो एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन विच पी के वार, यानी ए बी सी किस रेशो में पी क्यों बैंड आ रहा है, ऐसा कुछ दिया होगा, क्लियर। पहली सिचुएशन क्या दी है, ए गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन पी क्यू प्लस आर, देखो पहली इस कंडीशन क्या दे रहे हैं, कंडीशन वन इज सेइंग पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, मतलब पी जो है मेरा वो क्यू प्लस आर से बड़ा, तो ये कंडीशन कैसे फुलफिल करवाओगे पहले ये बताओ। देखो इसका मतलब क्या है मेरा, एंड सी गेट मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। देखो भाई अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या करे, पी बड़ा हो किसे, क्यू जमा आर से, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या करे, सी गेट्स, पहले पहली कंडीशन को देख लेते हैं। देखो अगर मैं ए की बात करूं, ए मेरे पास क्या होगा, ए होगा पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, बी क्या होगा मेरा क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, इसी तरीके से मेरा सी क्या होगा, सी होगा मेरा आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। ए गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन पी क्यू प्लस आर। अब देखो वो ये कह रहा है कि भाई ए है, ए को पकड़ो जरा, वो कह रहा है ए को मैक्सिमम मिलेगा कब, जब पी किससे बड़ा होगा, क्यू प्लस आर से, यानी कोई भी कंडीशन ले लो, यानी देखो मैंने क्या किया, मैंने कोई एक ऐसी वैलिड कंडीशन ले ली जिसको मैं यहां पे सेटिस्फाई करा सकूं, तब हम देखते हैं। कोई कंडीशन ले लो, देखो जैसे मैंने क्या किया, मैंने पी को बोला 8 है
और क्यों को बोला मैंने 6 है, आर को बोला मैंने 2 है। क्लियर है? तो मेरे पास क्या हुआ, मतलब बड़ा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मुझे इसको 9 लेना पड़ेगा। इसको मैं 9 लेता हूँ, चलो जी मैंने इसको ले लिया 9। देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मेरे सबका बराबर है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी 9 6 15 तो 17, ये 17 ये 17 ये 17। इसका मतलब जिसका न्यूमिनेटर बड़ा उसका आंसर भी बड़ा डेफिनेटली। तो यस, पहली कंडीशन मेरी फुलफिल होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, सी गेट्स मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन क्यू पी प्लस क्यू। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये तो समझ आ गई, क्लियर हो गया। चलो देखो वो कह रहा है कि आर गेट्स मिनिमम इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू यानी पी को 2 ले लो, क्यू को 3 ले लो, आर को 4 ले लें। क्या कह रहा है वो मेरे पास, पी प्लस क्यू से बड़ा होना चाहिए, आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। ठीक है, ये हो गया कंडीशन मेरी। अब देखो वो क्या कह रहा है, सी गेट्स मिनिमम, सी गेट्स मिनिमम, सी कहां पे भाई, आर। तो 4 अपॉन 4 5 6 7 8 9, बट यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां हो ही नहीं रहा। क्योंकि देखो मैंने अभी भी ये बात बोली, पी प्लस क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये सबके लिए कॉन्स्टेंट है ना, ये सबके लिए कॉन्स्टेंट है। तो मेरे पास बचा क्या, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या गया मेरा, ओनली वन, दो नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं देखो कुछ मत करो, पी के ऊपर क्योंकि ऐसी वैल्यू मान लो जो इसको सेटिस्फाई करे, बस बात खत्म। जब से बट आपको ये कंडीशन बनानी आनी चाहिए कि याद रखना कि जब भी ऐसा होगा तो आपको ये कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन अगर आपने बना ली ना तो बस आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद पी के ऊपर की कोई भी वैल्यू मान लो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर? तो ध्यान रखिए 2 3 4 माने थी पहले केस में, मैंने कुछ और माना था, देख लीजिएगा क्या था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, मैं इसको बिना पेंसिल अभी बता सकता हूँ बट मैं प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊंगा, सो दैट आपको क्यूरियोसिटी ना रहे भैया कैसे बता दिया। देखो जय एंड विजय स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सम पेन एंड स्पेशल पेंसिल्स फॉर द सेम क्वांटिटी फ्रॉम द सेम स्टोर इफ जय ब्रॉट 3 पेन एंड 5 पेंसिल। भाई जय की बात कर लें जरा, थ्री पेन, मैंने एक पेन की कीमत मानी एक्स प्लस 5 वाई। भाई पेन को ले लिया अपन एक्स और पेंसिल को ले लिया हमने वाई। ठीक है, तो पेन एक्स पेंसिल वाई। अब वो क्या कह रहा है देखो जी, अब द क्वेश्चन इज सेइंग एंड विजय, ये जय की बात होगी विजय की बात होगी। विजय जी ने क्या किया, 2 पेन, ये 2x प्लस ऑफ 7 पेंसिल 7 वाई। ठीक है, क्वांटिटी फ्रॉम सेम स्टोर इफ जय एंड इक, देखो इक्वल अमाउंट, इसका मतलब जो जय ने 3 पेंसिल और 5 पेन खरीदे हैं, यानी सॉरी 3 पेन और 5 पेंसिल खरीदी हैं, उसका रेट किसके बराबर है, 2 पेन और 5 पेंसिल के बराबर, 7 पेंसिल के बराबर। तो क्या बराबर होंगे, यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 7y। ठीक है, तो 3x माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 7y माइनस ऑफ 5y। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2y, और आप क्या कह सकते हैं इसे, x अपॉन 2 अपॉन 1। इसका मतलब x अगर 2 की है तो y 1 है, यानी पेन अगर 2 रुपए का तो पेंसिल 1 ही है। देखो आप ऑप्शंस को देखो जरा, इफ पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन, नो, ये मेरे पास पेन है, नहीं भाई पहला गलत हो गया, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू पेन, गलत, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द पेंसिल प्राइस ऑफ पेंसिल। यस ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास गलत है। क्लियर, 3 टाइम्स का तो सवाल ही नहीं। देखो आपने ये क्वेश्चन इक्वेशन से किया, मैंने भी इक्वेशन से कराया, बट क्या इक्वेशन की जरूरत थी, मैंने क्यों करवाया, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर यही सोल्यूशन दिया हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, व्हाट वी हैव टू डू। अब देखो जरा, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो उसने क्या किया, 3 पेन 5 पेंसिल खरीदे, यानी 3 पेन प्लस 5 पेंसिल। ठीक है,
नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, दो पेन प्लस सात पेंसिल। एक बात कहो मुझे जरा ध्यान से, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि अगर पहली कंडीशन मुझे कह रही है कि तीन पेन पांच पेंसिल मुझे 100 रुपए के पड़े, है ना, कोई कुछ भी ले लो, एबीसी 150। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, भाई दो पेन और सात पेंसिल 100 रुपए की पड़ी। एक बात तो, पहली कंडीशन में अगर मैं एक पेन कम खरीदता हूं, पहली कंडीशन में अगर पहली कंडीशन को दूसरे कंपेयर करो, इसमें एक पेन कम आया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, दो पेंसिल ज्यादा आ गई। सोच के देखो, बस यही बात थी। तो एक पेन दो पेंसिल के बराबर आ गया आपकी। एक पेन दे के आप दो पेंसिल खरीद सकते हो, दो पेंसिल दे के आप एक पेन दे सकते हो। ये बड़ा आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन था, समझ आ गई बात। तो इक्वेशन की जरूरत नहीं थी इसमें, अननेसेसरी का डेटा था वो, आप देख के भी इसको आंसर लगा सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे पास। पीस कोड ये है, परसेंटेज से क्वेश्चन मेरा। पीस कोड 40 मार्क्स मोर देन क्यू, और आसान था भाई। इन एन एग्जामिनेशन इफ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर। देखो जरा इसका मतलब, पी माइनस क्यू कितना अपने पास 40, यही मतलब हुआ कि पी स्कोर 40 मार्क्स मोर देन पी, और क्यू यानी पी का मार्क्स जो है क्यू से ज्यादा, ठीक है जी। क्यू स्कोर 10% लेस देन क्यू, क्यू स्कोर 10% लेस देन पी, यानी पी रेशियो क्यू। मुझे पता है भाई 10% का मतलब क्या हुआ मेरे पास, 1/10, यानी पी ने अगर 10 थे तो क्यू ने कम है, तो कितना कम है, 1, यानी 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इनका डिफरेंस कितना है, 40। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास 40। क्लियर। तो भाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इनटू 40 करो 400, 9 इनटू 40 इज हाउ मच 360। बिल्कुल यही क्वेश्चन था, हाउ मच डिड क्यू स्कोर, क्यू ने कितना स्कोर किया। ऑप्शन नंबर है 360 इज द राइट आंसर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अभी तक नहीं बोला बट इतने आउटस्टैंडिंग सॉल्यूशन देखने के बाद ये बोलने वाली बात नहीं, करने वाली बात है। भैया लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने चैनल को, ठीक है। चलिए बच्चों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे ऐसे क्वेश्चन बड़े पसंद है पर्सनली बताऊं, क्योंकि इन क्वेश्चन में ना आप लोगों की नॉलेज टेस्ट होती है। मैं अगर ऐसे कहूं ना कि सी सेट का क्वेश्चन है, कोई सी सेट का क्वेश्चन नहीं 2021 का ना, ये जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कहीं भी पूछा जा सकता है। बिकॉज इस क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं है, क्वेश्चन पूर्णतः किस कौन से टॉपिक से है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ये आपको कौन से टॉपिक का क्वेश्चन लग रहा है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपको तो क्या लग रहा है, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 90 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स आर डायरेक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। After attempting all the 90 questions, a student got a total 387 marks. What is the number of incorrect responses? मतलब आपको ये बताना है कि उस बच्चे ने 90 के 90 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, कितने क्वेश्चन गलत थे कि उसके 387 मार्क्स आए, ये आपने मुझे बताना था। तो क्या नॉर्मल न्यूमेरिक एबिलिटी का क्वेश्चन लग रहा है, मतलब नॉर्मल एक इसको अर्थमेटिक उसका क्वेश्चन बोल सकते हैं, कैलकुलेशन का सिंपल, बट एक्चुअली में क्वेश्चन उसका नहीं है। किसका क्वेश्चन, आपने कमेंट करके मुझे बताना। क्लियर। चलिए, आई वेट फॉर योर कमेंट आफ्टर दिस वीडियो। चलिए, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है आपके पास, किसका, हाँ जी बोलिए, यस, एलिगेशन का क्वेश्चन है। अब कैसे पता चलेगा एलिगेशन का क्वेश्चन है, आप एक बात बताऊं। देखो उसने क्या बोला है, आपको पता है एलिगेशन के लिए चाहिए कि आपको दो ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिनको कंपेयर कर सकूं मैं। यस, वी कैन कंपेयर। याद करके देखो, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया होगा आपको टॉप 5 सीरीज में, जब एलिगेशन किया था हमने, कौन से वाला याद है कुछ, हैन और किस वाला याद करो, डॉग कुछ भी हो सकता है कि जिसकी चार टांगे दिस इज दो टांगे, वो हमने कंपेयर किया था, बस उसी वाला क्वेश्चन कर रहा है। देखो इसमें क्या बोला, 90 क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5। मैं कहता हूं अगर सारे के सारे क्वेश्चन उसके राइट हो तो कितने मार्क्स आएंगे भाई, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स टोटल कितने, 450 मार्क्स। क्लियर। Suppose करो उसके सारे के सारे क्वेश्चन गलत हैं, मैं कहता हूं रॉन्ग की पॉसिबिलिटी क्या है, रॉन्ग कैसे आएंगे इसमें, अगर 90 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के -2 मार्क्स तो कितने हो गए, इसका मतलब अगर सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होते तो मुझे 450 मिलते हैं, सारे के सारे गलत होते तो कितने मिलते मुझे, -180। बट एक्चुअली में मेरे को कितने मार्क्स मिले बेटा, मुझे 387 मार्क्स मिले हैं अकॉर्डिंगली। क्लियर, मुझे क्या मिले हैं 387 मार्क्स। अब आपको पता है एलिगेशन में करना क्या, माइनस कीजिए, यहां पे कितना आएगा
450 माइनस ऑफ 387 विच इज इक्वल टू हाउ मच 63। ये कितना आ गया देखो 387, यानी इसको कैसे लिखोगे, बड़े से छोटा माइनस माइनस ऑफ माइनस 180, यानी प्लस कीजिए 7, यानी 567। अब 63:567 देखो मैं फालतू की कैलकुलेशन बिलीव करता नहीं, मेरे पास एक जगह दिया 567, एक जगह दिया 63, और कंपेयर करना है मुझे, कटिंग करनी है, करके देखो। देखो भाई अगर मैं बात करूं तीन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, सात आ जाए नौ से, तो 63 इंटू नौ करो, 9×6=554 प्लस 27 आ गया 90 आपका, तो ये कितना है 567, आंसर इज कितना, इट इज 9:1 जो फाइनल मेरे पास आई 9:1, यानी मेरे पास क्या है टोटल 10 यूनिट है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 90, तो एक की वैल्यू कितनी है, अगर एक की वैल्यू 9 आ गई मुझे क्या बोला गया रॉन्ग, यस इट इज 1, आंसर इज ऑप्शन नंबर 9। अब कर सकते हो, कई बच्चे अब कमेंट करेंगे सर आप भाई ऑप्शन भी कर सकते हो, करो दैट इज योर वे, माई वे इज दिस वे। अब जब तक आपको क्वेश्चन ही करना नहीं आएगा तो कैसे आएगा, क्लियर, ऑप्शन से करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअली में होता क्या, अगर सपोज करो मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर है, सपोज करो कि मेरा जो 9 है ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब अब आपने ऑप्शन में क्या कि एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व किया आपने, बच्चों ये पॉइंट है जो आपको समझना है कि ऑप्शन से करिए कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन आसान है, बट जब आपके पास कैलकुलेशन आसान नहीं है, इस तरह की कैलकुलेशन है जो बहुत डीपली है, तो अगर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हुआ तो एक क्वेश्चन को करने में आपने 4 अटेम्प्ट लगा दिए, इसका मतलब वो क्वेश्चन किया नहीं आपने, आपने टाइम वेस्ट किया है, आप इसके जगह 3 अलग क्वेश्चन कर सकते हो। सो अगर कैलकुलेशन करनी सही है तो ये तरीका बिल्कुल सही है, ऑप्शन से करिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट जब कैलकुलेशन आसान हो, जब आपको नंबर ऑफ जीरोस दिख रहे हो, क्लियर। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स मत भूलिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेस। देखो मैंने इतना बताया माइक्रो कोर्सेस के बारे, इतना, इतने सारे बच्चे कर भी रहे हैं और डे बाय डे उनकी इंप्रूवमेंट भी पता चलते हैं, खुद स्टूडेंट्स आके बताते हैं सर माइक्रो कोर्स करने के बाद ना बहुत इंप्रूवमेंट आई है, बिकॉज माइक्रो कोर्स क्या है, माइक्रो कोर्स उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको लगता है कि हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेसिकली, या कोई चाह रहा है कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक करना है। जैसे मैं अगर नॉर्मल से एक बात लूं, सपोज कीजिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, तो क्या मैं पूरा कोर्स खरीदूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या मुझे पूरा मतलब वही हजारों में पैसे देना पड़ेगा, नहीं, मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकता हूं। जैसे आपको पता है कि नंबर सिस्टम आ रहा है आपके पास 20 प्लस क्वेश्चन, समझ रहे हो, 20 और 2.5 मार्क्स है क्वेश्चन आपके पास, 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, सो क्या उसको दरकिनार कर दे, जी नहीं, नंबर सिस्टम करना तो सिर्फ नंबर सिस्टम करिए, आपको एलिगेशन मिक्सचर करना है। मैं हर बच्चे को बोलता हूं भैया एलिगेशन चैप्टर जरूर करो, एलिगेशन का जरूर भाई माइक्रो कोर्स करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये एलिगेशन वाले क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा आपको, जब तक आप करोगे नहीं कैसे पता चलेगा, और मैं डिटेल में बताऊंगा, इसका लिंक भी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली आपको दिया जाएगा, क्लियर है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या मिलेगा, फुल कोर्स का लिंक, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, और आपके पास क्या मिलेगा आपके इस माइक्रो कोर्स का लिंक भी आपको वहीं पे दिया जाएगा, क्लियर। चलिए लेट अस प्रोसीड, चलिए सबसे पहले चूज एग्जाम हम हमें करना है भैया सी सेट 2024 क्लियर, वो भी कम से कम 100 नंबर से, ताकि जिस दिन एग्जाम देके आओ ना टेंशन फ्री रहो, भैया हमारा तो अच्छा हुआ, बट जब तक करोगे नहीं जब तक होगा भी नहीं, ठीक है जी। चलिए चलिए बेटा जो मैं बता रहा हूँ सारी बातें सुनेगा ध्यान से, यहाँ पे सारे सारे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे आपको, यहाँ पे सारे वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ पे टेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रो कोर्स जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लियर। चलिए चलिए सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे 10 डिजिट का हमारा मोबाइल नंबर,
जिससे टीम जुड़ेगी, आप कॉल में या व्हाट्सएप जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे ही इसको डील कर सकते हैं। क्लियर। कई बार कॉल नहीं भी मिलता आउट ऑफ रीच या कुछ हो तो आप सिंपल व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, टीम अपने आप आपके साथ जुड़ जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए जैसे मैं बात करूं सबसे पहले मैथ एंड मेंटल एबिलिटी। क्लियर। और एक सरप्राइज है आपके लिए, बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में। चलिए पूरा बंडल देखिए, क्वांट का देखा रूम बात करूं 3555 3500 से ऊपर। क्लियर। बट अगर सिर्फ नंबर सिस्टम की बात करूं ईसीआई कितने का है 324 का, ऑलमोस्ट 22% आ रहा है, बट एक्चुअली ये डाटा बढ़ के 2023 के बाद 25% के करीब हो चुका है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 421 क्वेश्चन, 9 वेब नोट्स और घंटा डेढ़ घंटे की कम से कम एक क्लास है जिसमें 10 लेक्चर्स आपको दिए गए, तो 15 से ज्यादा घंटे का ऑलमोस्ट आपके पास क्या दिया आपको यार 10 से 15 घंटे के बीच का नंबर सिस्टम है। और यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा वो कहते हैं ना भैया थोड़ा मिठाई टेस्ट कराइए, कितना मीठा है, तो कितना मिठास कैसे पता चलेगी आपको ये 6 मिनट के ट्रायल से। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, जैसे सिंप्लीफिकेशन की बात करो, सिंप्लीफिकेशन भी अच्छा खासा आ रहा है 15 से 20% के बीच, 114 रुपए का, 4 धमाकेदार लेक्चर से, 1 वेब नोट से, 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए। व्हाट इज वेब नोट्स, वेब नोट्स क्या होते हैं, वेब नोट्स क्वेश्चन का कुछ डाटा हो सकता है, कुछ आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है रिगार्डिंग चैप्टर। नेक्स्ट है परसेंटेज, आपके पास यहाँ भी 6 मिनट का ट्रायल है। नेक्स्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए जो चैप्टर आप बोलेंगे ना, जैसे मेंसुरेशन टूटी की बात करें, प्रॉब्लम ऑन एजेस की बात करें, एलसीएम एचसीएफ डाटा टेबल, सारी चीजें यहाँ पे एक से एक प्रोवाइड की गई है आपके पास। क्लियर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट जैसे मैं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया है, सत्ताईस माइक्रो कोर्सेज और एक पूरा कंप्लीट बंडल है इसमें। वेट फॉर अ मिनट, चलिए देखिए पूरा बंडल है 2646 रुपए का, बट अगर सिर्फ आपको पजल टेस्ट करना है तो 245, रैंकिंग ऑर्डर करना है 630, स्टेटमेंट कंक्लूजन करना है तो 42, डायरेक्शन सेंस करना है तो 117, सिलोजिज्म और सब के साथ 6 मिनट का ट्रायल, आपके पास वेब नोट्स और आप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको दिए गए। क्लियर। ऐसा ही अगर हम सिर्फ देखें इंग्लिश के बारे में बेटा, ₹412 का पूरा बंडल है जिसमें आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्ड बिल्डिंग एंटोनिमी यानी सिनोनिम्स है जो काम आते हैं आपके, और जिसमें 349 रुपीज का है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 1 वेब नोट्स है, ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड क्वेश्चंस है और 6 आपके पास वीडियो लेक्चर दिए गए। क्लियर। अब अंत में मैं एक बात बोलूंगा, देखना जरा, देखिए ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2023 में अपना सपना साकार किया हमारे मार्गदर्शन में, सब मेहनती थे, और इनमें से कोई एक ऐसा स्टूडेंट बताइए मुझे जिसने सीसेट क्वालिफाई नहीं किया, सब अच्छे नंबर से सीसेट क्वालिफाई करके गए, क्योंकि इनको पता था बिना सी सेट के आप अगले पड़ाव पे पहुंच ही नहीं सकते, चाहे वो आधे नंबर का 0.25 नंबर का ही मार्जिन हो, अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं तो पूरे एक साल की मेहनत खराब। क्लियर। आप रैंक के साथ 51, 56, 91, 105, 138, अगर आपको नहीं भरोसा तो इनके स्वर्णिम शब्द, स्वर्णिम शब्द क्यों, क्योंकि अब ये अधिकारी बन चुके, एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। क्लियर। तो ये इनके शब्द हैं, स्वर्णिम अक्षर हैं जो आप पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस लेवल का पढ़ाया जाता है। क्लियर। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक प्रोवाइड किए गए। थैंक यू।